हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सनीज व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए गाइज। तो आज मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद और ये वीडियो बन रही है बहुत दिनों बाद, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। सो गाइज, उसके लिए सॉरी। अब जो मेरी वीडियो वो कंटिन्यू आएंगी एक के बाद एक। सो स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो से। सो गाइज, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मेरे पास है एक पार्सल जो कि मैंने मीशो से मंगाया है। इसके अंदर मैंने मंगाया ड्रॉर टाइम जिसमें आप सामान रख सकते हैं। सो इसकी करते हैं अभी अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइस, मीशो शॉपिंग करने के लिए आई थिंक बहुत ही अच्छा ऐप है, आप सस्ते में शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने भी इसलिए, और ये प्रोडक्ट बहुत ही वायरल था और बहुत ही सस्ते में है, आपको प्राइस में बताऊंगी। इससे पहले हम इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद मैं इसको प्राइस भी आपको बताती हूँ। एक तो इसकी पैकिंग इतनी बड़ी है। सो सबसे पहले हमें मिला है ये, इस पर लिखा है यदि आप इस उत्पाद को पसंद करते हैं तो हमें 5 स्टार रेटिंग दें और समीक्षा लिखें। ओके, इनको रेटिंग देंगे अगर इनका प्रोडक्ट पसंद आया हमें तो तभी देंगे। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये मैं उल्टा कर देती हूँ क्योंकि ऐसे तो खुलेगा नहीं। ये हो गया है खाली, और ये हमारे ये हमें मिले हैं ये 4 बॉक्सेस टाइप असेंबल करने के लिए। ये हमें मिली है ट्यूब, चार नहीं है 5 है। ये निकलेंगे भी नहीं मेरे से, मेरे को लग रहा है, बट ट्राई करते हैं। ओप्स, बहुत टाइट है। अगर साथ में हमें ये भी मिले हैं, क्या है किस तरीके से होगा ये तो मुझे भी पता नहीं, इसको मैं ट्राई करूंगी कैसे होगा ये। थोड़ा थोड़ा काम बन रहा है मेरा। मीशो ने कर दिया है मेरे साथ फ्रॉड। और देखो ये है मीशो की कहानी। अब मैं क्या करूँ, उसको एक्सचेंज करूँ क्या? देखते हैं क्या हो सकता है इसका। और देख, और चीजें देखते हैं क्या पता और चीजें डिफेक्टेड हो। लेकिन मेरे को लगता है कि सामान लाने में भी थोड़ा बहुत साइड टूट जाता है, तो शायद इस वजह से ही प्रॉब्लम हो रही हो। लेट्स सी, अगर वही एक प्रॉब्लम है तो मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगी। अगर और भी चीज़ें डैमेज निकलती है तो मुझे रिटर्न करना ही पड़ेगा, बट देखते हैं अभी। ये भी ठीक है। सबसे अच्छी चीज है मेड इन इंडिया। इसका साइज ठीक है, और करके उसके बाद इसको असेंबल करते हैं। मेरे इसको ओपन करने में मेरी हालत खराब हो रही है, बट आई विल ट्राई आउट। थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओप्स, वही बहुत टाइट है। सो गाइज, अब था टाइम इसको असेंबल करने का, जो कि बहुत बड़ी चुनौती होने वाली थी क्योंकि मुझे नहीं आता था। लेकिन मैं और मम्मी दोनों मिल गए, फिर हमने इसको कोशिश किया असेंबल करने का। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ, इसमें हमें बहुत सारा टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा। एक तो ये बॉक्सेस इतने टाइट एक दूसरे में बंद थे कि ओपन ही नहीं हो रहे थे, इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर मैंने एक एक करके सारे ओपन किए और मम्मी और मैंने मिलकर
इसको पूरा का पूरा असेंबल किया। और साथ ही गाइस मुझे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं खुश हो रही थी कि मेरी सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी एक एक करके, क्योंकि जो चीज़ें इधर उधर पड़ी जाती है उन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी ये। सो गाइस इसके बाद फाइनली हम लोगों ने असेंबल किया था इसको। अब है टाइम इसको प्लेस करने का कि मुझे कहाँ पे रखना है। गाइस मेरी छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो पूरे रूम में ऐसे इधर पड़ी है उधर पड़ी है, इस वजह से मुझे ये मंगाना पड़ा। और ये मुझे बड़ा ही पसंद आया। इसकी क्वालिटी भी आप देखोगे ना, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, इसका प्राइस है ओनली 449 रुपीज़, जो कि मैंने मीशो से लिया है। सो गाइस इतने कम प्राइस में आपको इतने अच्छे स्टोरेज के लिए इतनी अच्छी चीज़ मिली है, आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ले लीजिए जाके, क्योंकि मुझे बहुत आप या तो आप इसको ज्वेलरी बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें अपनी रख सकते हैं। सो गाइस ये टेबल है मेरी स्टडी टेबल, इसके बगल में ये इतना छोटा सा स्पेस था तो मैंने इसके लिए मंगाया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आप, मेरी चीज़ें ऐसे बिखरी बिखरी पड़ी रहती हैं, तो इस चीज़ों को ऐसे बिखरी ना रहे इसलिए मुझे यहाँ पे इसको मंगाना पड़ा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ। सो गाइस फाइनली मेरा स्टोर बॉक्स हो गया है शिफ्ट, इसमें मैं सामान रखूँगी। अब आपको दिखाती हूँ, इसमें आप अपने कुछ भी रख सकते हैं लाइक ज्वेलरी या कुछ। मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ सबसे पहले इसमें। सो गाइस इसमें है मेरी बहुत सारी ज्वेलरी और इसमें इसको मैं इसमें ही शिफ्ट करने वाली हूँ। इसको मैं रखूँगी इस वाले में। सो इस वाले में मैं अपनी रख रही हूँ सारी इयररिंग्स, मैंने इसमें रखी है। सो गाइस इसमें मैंने अपना रख दिया थोड़ा थोड़ा सामान। फर्स्ट वाले में अभी कुछ भी नहीं रखा है, सेकंड वाले में मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान है, और थर्ड वन में है थोड़ी सी मेरी मेडिसिन, फोर्थ वन में है मेरी ज्वेलरी, सारी की सारी ज्वेलरी मैंने इसमें रख दी है, और लास्ट वाला अभी है स्पेस का। सो गाइस ओवरऑल मुझे आया है प्रोडक्ट सच में बहुत पसंद, और इसका मैं एकदम जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ आपको। आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।